हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आप रियलमी 6 डिवाइस को यूज़ करते हैं तो सभी यूज़र्स वेट कर रहे हैं जून सिक्योरिटी पैच के अपडेट का। एंड फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, रियलमी की तरफ से रियलमी 6 के लिए B.37 का ये न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। 215 MB इस अपडेट का साइज़ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपने डिवाइस में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इस अपडेट के चेंज लॉग में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे Realme 6 के इसी न्यू अपडेट के बारे में, क्या कुछ फीचर्स आपको इस अपडेट में देखने को मिलेंगे, डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन अभी तक ऐड की गई है या फिर नहीं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि Realme 6 में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरा पर कलरफुल कैमरा लाइट एनेबल करना चाहते हैं तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आपको प्राइम बटन पर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद एक बार जरूर से इसे चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए Realme 6 के इस न्यू अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर आप इस अपडेट का फुल वर्जन देख सकते हैं, RMX 2001_11_B.37। तो लास्ट अपडेट अभी आपके डिवाइस में होगा B.33, लेकिन ये B.37 का न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। 215 MB इस अपडेट का साइज है, और आप देख सकते हैं हमने अपने डिवाइस में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल किया हुआ है। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो अपडेट लोग आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, उसको अपडेट कर दिया गया है, जून 2020 का आपको मिल जाता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूजर्स वेट कर रहे थे, जून का एंड यहां पर आ चुका है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक जून का सिक्योरिटी पैच रियलमी 6 के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो फाइनली यहां पर रियलमी 6 को जून का सिक्योरिटी पैच यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस, यहां पर कुछ एप्लीकेशंस को ऐड कर दिया गया, आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि रियलमी लिंक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी रियलमी लिंक ऐप है वो यहाँ पर ऐड कर दी गई है। अगर आपके पास रियलमी के स्मार्ट गैजेट्स हैं, जैसे कि स्मार्ट फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉचेस या फिर रियलमी बड्स एयर जैसे गैजेट्स हैं, तो वो आप इस ऐप की हेल्प से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो रियलमी पैसा ऐप है वो भी आपको यहाँ पर ऐड देखने को मिलेगी इस अपडेट के बाद। यहाँ पर आप अपना जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो फ्री में चेकआउट कर सकते हैं, बिजनेस एंड पर्सनल लोन्स आप ले सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन का इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों, यहाँ पर ऐप इन्फो में जाकर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर अभी भी इस अपडेट में जो सोल्यूप ऐप है वो यहाँ पर ऐड नहीं की गई है, यह मैंने डाउनलोड करके रखी है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे MDTalk ऑफिशियल तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो जो भी आपके अपडेट्स के रिगार्डिंग डाउट्स है, क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई वॉलपेपर चाहिए या फिर सोलूप ऐप चाहिए तो आप ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलूप ऐप में आपको काफ़ी सारे एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूज़िक ऐड करने का बैकग्राउंड में ऑप्शन मिलता है, सब टाइटल, स्टिकर्स, फिल्टर्स आप लगा सकते हैं, इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, कट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर आप कुछ कट करना चाहते हैं यहाँ पर वीडियो को बीच में, डिलीट का ऑप्शन आपको मिलता है, फास्ट फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कमाल की है, सोलूप आपको ऐप मिल जाती है जिससे कि आप अपनी फोटोज़ एंड वीडियोस को थोड़ा बढ़िया तरीके से एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर सिस्टम में कुछ इश्यूज़ थे उनको फिक्स किया गया है। फिक्स द इशू डेट FPS फॉर सम गेम्स वॉज शोन एज 0 इन गेम स्पेस, फिक्स सम नोन इश्यूज़ एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, जो आपका गेम स्पेस था वो यहाँ पर प्रॉपरली काम नहीं करता था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पबजी के अंदर जो आपका गेम स्पेस है वो प्रॉपरली काम करता है, एंड जो FPS है वो भी आपको यहाँ पर दिखाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कभी कभार ये 0 FPS दिखाता था। तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपने अपडेट कर लिया है कि आपका जो ये इशू था वो फिक्स हुआ है या फिर नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर स्मूथ एक्सट्रीम पे यहाँ पर सेटिंग्स को सेट करते हैं, एंड अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 FPS के अराउंड आपको गेमिंग देखने को मिलेगी। एक्सट्रीम में 60 FPS है, अल्ट्रा में आपको 40 FPS के अराउंड यहाँ पर मिल जाती है। एंड दोस्तों, जल्दी रियलमी 6 के इस अपडेट के बाद मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस, रेडमी नोट 9 प्रो, पोको X2, रियलमी X2 सभी के साथ डिटेल में चार्जिंग टेस्ट भी आएगा। एंड एक दो दिन में इस अपडेट के बाद यहाँ पर सभी डिवाइसेस को एक साथ रख के बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करेंगे। तो वो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा ऊपर आई बटन पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार ज़रूर से उन वीडियोस को आप चेकआउट कर लेना। दोस्तों, अगर बात करी जाए बाकी चेंज लॉग के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि कुछ नॉन इश्यूज़ एंड बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो काफ़ी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही थी कैमरा से रिलेटेड,
तो आई होप उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए। अभी अभी रिसेंटली मैंने इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया है, तो अभी कैमरा एंड बैटरी के बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में बात नहीं कर सकते, तो ये मुझे पहले टेस्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके बारे में बता पाऊँगा। दोस्तों अगर बात करी जाए डेसीमल चार्जिंग एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स वेट कर रहे थे डेसीमल चार्जिंग एनिमेशन का, क्योंकि यहाँ पर रियलमी 3 प्रो जो कि एक अभी थोड़ा पुराना डिवाइस हो चुका है, रियलमी 5 प्रो, रियलमी एक्स 20 वोट की चार्जिंग मिलती है, लेकिन रियलमी 6 में 30 वोट की चार्जिंग मिलती है। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटेड वाली बात है, अभी भी यहाँ पर आपको नॉर्मली चार्जिंग एनिमेशन मिलती है, जो पॉइंट के बाद डेसीमल चार्जिंग एनिमेशन है वो अभी तक आपकी ऐड नहीं की गई है। तो Realme 6 एक लेटेस्ट डिवाइस है, यहाँ पर पिछले 2-3 महीने से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन ऐड नहीं की गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फीचर से रिगार्डिंग मैं Realme को एक ट्वीट करूँ ताकि ये फीचर जल्दी Realme अगले अपडेट्स में प्रोवाइड कर दे, तो मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मैं 1-2 दिन में ट्वीट करूँगा Realme को, आपको रीट्वीट करना पड़ेगा तभी Realme तक ये बात पहुँचेगी। तो दोस्तों ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर आप चेंज लॉग में देख सकते हैं, बताया गया कि जो कैमरा क्वालिटी है उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, ऑप्टिमाइज़ फ्रंट कैमरा नाइटस्केप क्वालिटी, तो नाइट मोड की जो सेल्फी कैमरा की क्वालिटी उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। फिक्स द लो प्रोबेबिलिस्टिक इशू डेट द साउंड इज़ आउट ऑफ सिंक विद द पिक्चर आफ्टर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों बताया गया कि जो कैमरा क्वालिटी उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, एंड जो फ्रंट कैमरा का नाइट मोड है आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है उसको थोड़ा फिक्स किया गया है। मुझे यहाँ पर अभी भी जो सेल्फी कैमरा की क्वालिटी है वो अपडेट के बाद भी इतनी बढ़िया नहीं लगी है, वही आपको लास्ट अपडेट की तरह ही बेकार देखने को मिलती है। कोई भी अगर आप सेल्फी से फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करते हैं तो पूरी फ़ोटो आर्टिफिशियल टाइप लगती है, जैसे कि वाइट वाइट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस इसने कैप्चर कर ली है, जबकि दोस्तों बैक कैमरा की क्वालिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डार्क फोटोज़ ही कैप्चर करता है, जो कलर्स है वो भी इतने एक्यूरेट यहाँ पर कैप्चर नहीं करता है। तो दोस्तों कैमरा को अभी भी यहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत है, कैमरा की क्वालिटी इतनी बढ़िया आपको अपडेट के बाद भी देखने को नहीं मिलती है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप कोई एप्लीकेशन यहाँ पर कट करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक नया आपको थोड़ा एनिमेशन टाइप मिल जाता है, यहाँ पर आपको कॉर्नर पर ये कट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऐप ड्रॉवर से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर लेकर आएंगे तो वहाँ पर कोने पर आपको कट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाते हैं, अपडेट के बाद भी जो कैमरा क्वालिटी उसको इम्प्रूव नहीं किया गया है, साथ में डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन अभी तक Realme 6 के लिए ऐड नहीं की गई है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको अपडेट मिला है, अगर नहीं मिला है तो 1 वीक का आपको वेट करना पड़ेगा, 7 to 8 डेज में ये अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे भी Realme 6 के अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।